पहले मेरा प्लान आया था मास्टर शेफ बनने का, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर किया था कि यार आप ये शेफ में ना आए, अकाउंट में जाएं। आज मैं आपको अपनी स्पेशलिटी बताऊंगा, कुकिंग में दिखाऊंगा आज आपको। तो ये जितने भी देख रहे हैं आप, अपने अंदर का हुनर बताएं। ये प्रिंस भाई, ये पहले की लगी है, मैं ये कर रहा हूं। जी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? ठीक हैं? हेलो गुड मॉर्निंग। और आज हम गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे वाकई मॉर्निंग है। yes. और आज हम संडे का दिन है और शूट हम पहले कर रहे हैं व्लॉग, बेशक ये मैं भी संडे को ही आएगा, लेकिन देख के कब आएगा, लेकिन हम शूट संडे को कर रहे हैं। शूट संडे को तो आज ये होगा कि आपको सारी रूटीन दिखा देंगे गुजरांवाला के लोग अपना हॉलीडे जो होता है वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं। तो वो स्टार्ट नाश्ते से करते हैं, और खत्म वो डिनर से करते हैं। तो आज हम भी थोड़ा वैसे के व्लॉग बनाएंगे। बाकी अभी हम ऐसी जगह पे आए हैं जो आपने अगर टिकटॉक आप देखते हैं तो आपने पहले लाजमी देखी होगी। तो ये जगह देख सकते हैं आप, अगर आपने टिकटॉक देखे गुजरांवाला के लोगों के तो आपको जगह याद होगी। यहाँ पे हर टिकटॉक करने वीडियो बनाई है, इवन के जब हम भी बनाते थे छोटे होते हैं तो तब हम भी यहाँ पे काफ़ी वीडियोज बनाई है। पूरा इलाका वहाँ तक देख सकते हैं आप, पता नहीं क्यों बनाते हैं यहाँ पे, शायद नज़दीक है और शायद थोड़ी यहाँ पे जगह ज़्यादा है, या तो शायद गुजरांवाला यहाँ पे हाँ क्योंकि खाली खाली है, लोग कहते होंगे यार कोई देखे ना तो वीडियो बना लें। हाँ तो बस चलते हैं, यहाँ से बिल्कुल पास ही था स्टेशन के, हम नाश्ता करने आए थे हलापुरी वगैरह का, तो सोचा आपको ये जगह भी दिखा दी, टिकटॉकर्स की एक फेमस प्लेस है। तो बाकी अपने गलते हैं यहाँ से नाश्ता वगैरह करते हैं, थोड़ा घर भी पकड़ाना नाश्ता, तो वो पकड़ा के फिर आगे देखते हैं जो छोटे मोटे काम है साथ साथ, तो भी लोग के साथ साथ वो भी करते हैं आज। तो ये नाश्ता वगैरह तो आ गया है, तो सनी भाई ठीक है नाश्ता ही? तभी नाश्ता करते हैं फिर आगे की रूटीन देखते हैं जो भी है। नाश्ते में ये हलवा था, चने वगैरह साथ जो होता है, हलवापुरी का सामान सारा सिंपल वो ही है, आलू भुजिया। हाँ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा टेस्ट है, मिक्स करने का भी मज़ा आ रहा है। तो अभी पीछे देख सकते हैं आप, ये बाइक वगैरह देने आए थे थोड़े ठीक करवाने के लिए, तो अभी नाश्ता करके ये बाइक देके अभी ये मुझे ड्रॉप करेगा घर में, उसके बाद फिर दोपहर शाम को निकलेंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं आगे फिर क्या क्या करना है और क्या क्या होता है। वीकेंड में कोई प्लान नहीं होता हमारा, बस स्पॉन्टेनियसली जो होता जाता है ना फिर वही होता जाता है। जी गाइस, तो अभी आ गए हैं हम वहाँ पर जहाँ पर सुबह आपको दिखाया था स्टेशन पर। आज स्टेशन पर आके तो फिर यार दिल किया कि आज इससे हम भी टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं, संडे के संडे यहाँ पर चक्कर लगे तो काफ़ी टाइम के बाद आज दोबारा लगा, पीछे मिकाल भाई भी हैं और ये कि एक दो वीडियो रिकॉर्ड की हैं तो वही साथ में ये कि यूट्यूब पे भी डालता रहूँगा, साथ में थोड़ा मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। और तो कोई स्पॉट यहाँ पे ज़्यादा मिलते नहीं है, तो ये है कि बस यहाँ पे अब शाम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा धूप थी, जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे ना स्टेशन में तो एकदम बादल आ गया। तो और दूसरा मसला ये है कि अभी हमारे साथ कोई है भी नहीं और जो वीडियो बनाए, तो सिंगल सिंगल ही वीडियो बन रही है, लेकिन देखते आगे को वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए स्टेशन पे, मैंने कहा था ना आपको कि टिकटॉक काफ़ी बनाते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो उनसे बीच में मिलके उनके साथ भी बना लेते हैं और वो हमारी वीडियो बना देंगे, हम उनकी बना देंगे, तो ऐसे कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमें। लोकेशन चेंज कर लिए, लोकेशन देखें वो वाले जहाँ पर आपको सुबह सुबह हमने नाश्ते के वक्त दिखाया था, ये पीछे वहाँ से आ गए हम, धूप भी निकल रही काफ़ी, जब वीडियो बनाने लगते हैं तब धूप चली जाती है और जब हम बना के ऐसे बनाने के लिए जा रहे होते हैं तब धूप आ जाती है, पता नहीं क्या सीन है। और ये है कि अभी जा रहे हैं हम किसी और जगह पे, आज सारा स्टेशन घुमाते हैं आपको साथ साथ। किस साइड पे जाना है यार, यहाँ पे भी वैसे खड़े होकर सही जाती है। हाँ तो अभी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, तो ये वाला व्लॉग थोड़ा पॉज करते हैं और वीडियो टिकटॉक के बनाते हैं, ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आती रहेंगी शॉर्ट्स वीडियो में, तो एक आधी मैं ये डालता रहूँगा। कभी कभी होता है कि व्लॉग नहीं आ पाते तो उसके लिए हम स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं कि फिर ये वीडियो अपलोड करते रहेंगे ताकि कुछ ना होता रहे अपलोड। वही सीन हुआ है ना, जैसे ही देखा वीडियो बनाने लगे हैं, रिकॉर्ड करने लगे थे तो बादल आ गया पीछे नहीं बल्कि ऊपर हर जगह पर, तो वही बात हुई है, धूप भी चली गई है, अब वी हैव टू वेट कि कब थोड़ी धूप निकले, ऐसे थोड़ी वीडियो सही नहीं बनती, डार्क डार्क से आता है, तो जस्ट अब तक फिरते हैं, मेरे ख्याल से टाइम ऐसे ही हो गया धूप जाने का, तो फिर भी वेट ही है कि आ जाए। ये देखिए बस थोड़ा सा यहाँ पे बादल है, इसने जाना है पीछे होगा तो धूप आएगी आगे। बहरहाल ये सारा स्टेशन है जहाँ पे आए हम, और मिकाल भाई वीडियो ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बनानी है अब,
इधर काफी लोग यहाँ पे देखें, ये भी खड़े हैं, और इसके बाद भाई जान वो आगे जितने हैं सारे उस तरफ भी लोग काफी बना रहे हैं वीडियो। कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ लोग मेरे ख्याल से जाने का वेट कर रहे हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं पैसेंजर्स वगैरह। जी गाइस, तो हमने वीडियो वगैरह बना ली है और जस्ट हम घर जा रहे हैं क्योंकि मौसम हो गया ठंडा काफ़ी, शाम हो गई है। तो जितनी चार पाँच जो तीन चार जितनी वीडियो बनी है वो बना ली हमने, इतनी काफ़ी है यहाँ पे। बाकी रोज़ की एक डालेंगे, इस तरह को हिसाब किताब लगाते हैं चैनल पे, कंटेंट को रेगुलर करते हैं। अभी काफ़ी ब्रेक लग जाती बीच में, मैं चाहता तो नहीं ऐसे, लेकिन वो टाइम क्लैश बस, यहाँ वीडियो इस तरह नहीं बन पाती। तो यार तो ये है कि बस जो बनता है फिर मैं चढ़ा देता हूँ, कोशिश तो मेरी ये होती है कि ज़्यादा वीडियोज आएँ। बहरहाल देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो अभी जा रहे हैं हम घर की तरफ, या एक दो जगह पे जाएंगे, और अभी टाइम है दोपहर ही हुई है। संडे को हमारी यही रूटीन होती है, जैसे व्लॉग भी आप देख रहे हैं संडे की जो नॉर्मल रूटीन होती है, वीकेंड्स में या हॉलीडेज में यही होता है हमारा, निकाल ही आता है। यहाँ एक दो दोस्त आ जाते हैं और तो उनके साथ थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो बाकी अभी देखते हैं क्या करना है आगे, अभी तो दोपहर के तीन चार ही बजे हैं, लेकिन आगे की आगे का मुझे भी नहीं पता, कोई प्लान तो हमारा नहीं होता है, बस यही है कि जा ही जा रहे हैं जहाँ भी जाना है। अभी ये कि चाय वगैरह पीने आए हैं और निकाल भाई एडिट कर रहे हैं जो वीडियोस थी, क्योंकि सर्दी यहाँ पे काफ़ी हो गई, अभी थोड़ा खा पी के आए थे तो जस्ट यहाँ पे आ गए ना, अब चाय पीने के लिए रुके हैं। थोड़ा सा ज्यादा खा पी के आए थे, कम से कम सर ने 7 से 8 नान खाए बस। आप बताओ क्या कर, कितने नान? 8। अच्छा 8-6 हमने टोटल मंगवाए थे तो बहुत सारा मेरे खाते में डाल देते। तो ये कि सर्दी इसको भी काफी लग रही है, लेकिन पैक हो गया पूरी, और सर्दी मुझे भी लग रही है, लेकिन ये कि बस चाय पी लें थोड़ा सा, काम सेट होता तो फिर निकलते हैं यहाँ से, कहीं पे क्या घर को निकलना है। चाय भी आ गई है, अब जस्ट पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। और चाय देखिए सही गर्म गर्म आई है, इससे शायद सर्दी थोड़ी कम हो जाए। ये अब मसाला वगैरह ले रहे हैं रायते के लिए, उससे पहले हमने चिकन वगैरह ले लिया है, जस्ट अब रायते का सामान पकड़ते हैं। तो पकड़ लिए, अब निकल रहे हैं यहाँ से शनावर के घर, काफ़ी लेट हो गए हैं। तो ये हम आ गए इधर, और ये आज एक नई शख्सियत इधर आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्रिंस भाई हैं। चाय पी लो, टिक्का खा लो, माशाल्लाह। और ये फैज भाई को आप जानते हैं, चल ठीक है। और ये अजीमी भाई कैसे, आप ठीक है? हमारे मुर्शिद हैं, ठीक है, ये हमारे मुर्शिद हैं, कोई बेहतरीन पूरी नहीं होती। हाँ, और ये हमारे मास्टर शेफ हैं, देख सकते हैं आप काम से, अमन चौंग मास्टर शेफ। ये कि इन्होंने भाई जान ने पूरे सिस्टम वगैरह किए यार, वाह, लाइटिंग वगैरह करके पहले मेरा प्लान आया था मास्टर शेफ बनने का, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर किया था कि यार आप ये शेफ में ना आए, अकाउंट पे जाएं। आज मैं आपको अपनी स्पेशलिटी बताऊंगा, कुकिंग में दिखाऊंगा आज आपको। तो ये जितने भी देख रहे हैं आप अपने अंदर का हुनर बताएं, ये पहले की लगी है, मैं ये कर रहा हूँ अपने अंदर का हुनर आज जगेगा। एक मिनट में बताना नहीं चाह रहा, लेकिन चले आप अपने ये सब्सक्राइबर हैं तो कोई टेंशन नहीं है, जो मेरे 280 सब्सक्राइबर है उनके लिए। तो सर सही लगाए तो सही, वो बीच में तिलक जा रहे हैं भाई, ये मास्टर शेफ है लीथर किस्म के। चिकन ही नहीं सही यार, सही वाला दो यार, ये क्या है लीथर वो चिकन। हाँ वो चिकन भी था, ठीक है मैंने सही वाला पकड़ा, तो इसमें मैं आपको अपना टैलेंट दिखाऊंगा। वाओ, सो गुड, वेरी नाइस। अरे भाई सुलेमान ने अपने मास्टर शेफ एक्सपीरियंस दिखाया है, बिल्कुल घटिया किस्म के लगाए गए हैं, कोई गैप नहीं है, पर क्या करें मास्टर शेफ है भाई। अच्छा गैप ये देखें, ये लग गया ऐसे थोड़ी सर, मैं आजकल चिकन ऐसा आ रहा है तो मेरी भी मजबूरी है, मैं उस तरह से शो नहीं कर पा रहा अपना टैलेंट, लेकिन चलो ठीक है हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कि एंड पे खानी बोटियां या जैसे मर्जी लगी हो। अभी मैंने पोजीशन चेंज कर ली है, अपना काम चेंज कर लिया, स्टार्टअप के साथ आ गया हूं मैं, वो काम में मैं कह रहा हूं चलो छोटे मोटे यहां देख लेंगे, वो ये भी कर रहे हैं यार, इसको भी देखो ना, सॉरी यार साइड चेंज करें, किसकी किसकी? अच्छा चलो सर ना साड़न आए ना श्यामा, सॉरी यार आज मैं अगर आ गया तो बताता हूं, नहीं पे मंच पे ना जा।
ये हमारे सलमान भाई आए हैं, ठीक है, वो मुहज्जब है हमारे सीनियर सीनियर सिटीजन। ये भाई टेस्ट करने लगे, हमें रिव्यू देंगे हमारा कैसा मैरिनेट हुआ। रेसिपी मेरी थी, चेक करके बताएं कैसी रेसिपी भाई की थी, मेहनत हमने की है। ओ ठीक है, ये रेसिपी ये ओए ओए बात यार, कुछ भी ना करने वाली मेहनत है इनकी। ठीक है, आईडिया मेरा था कि यार हम बारबेक्यू करेंगे, बस आईडिया था, एग्जीक्यूट हमने किया है। बाकी शनावर भाई ने सब बनाया यार, उन्होंने मैरिनेट सारा किया है। शनावर भाई शनावर एक्सपर्ट है इस काम में। बस मैं अजीज भट्टी जाके ही करता हूं। अजीज भट्टी के बाहर ये लोग सीखे लगाते हैं, ठीक है, लगा के भूल जाते हैं। ओशन वारी होटल इनके नाम से मशहूर है। तो मैं अभी साइड पे आ गया हूँ, और ये कि कुछ दोस्त अभी भी नहीं आए, वेट कर रहे हैं उनका। जैसे ही आते हैं तो फिर खाना वगैरह मेरे ख्याल से उनसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मिकाल भाई फुल टाइम इस टाइम जोश में है। नहीं बहुत ज्यादा लग गया, सुबह का मुझे इन्होंने एमपीयू करवाया हुआ है। एमपीयू का मतलब ही बताएं भाई, मैं साड़ देने वीडियो में चेक करके मैं तो ठीक है यार, नहीं सड़ता यार, ये देखो यार ये कच्चा है, देखो ये इधर तो ये के वीडियो के चक्कर में सड़ भी रहा है, लेकिन चले साथ वीडियो भी बना रहे हैं हम। तो आज पूरी बारबेक्यू पार्टी का हमारा माइंड लेके आ गए, फुल टाइम, फुल टाइम सर, आज फुल जोश में रहेंगे, फुल टाइम खाएंगे, 5-6 किलो टोटल है, 3-4 तो अपने ही है, 3-4 हमारे दोनों के। तो ये शनावर भाई की जो मेहनत का नतीजा, जिन्होंने इसको धो के मैरिनेट किया सारा, और टेस्ट काफी अच्छा है, देखने में बेशक उतना अच्छा नहीं लग रहा आपको, लेकिन टेस्ट अच्छा है इसका। मसला ये है कि वीडियो के साथ साथ देखना भी पड़ता है इसको, कि जल जुल ना जाए। बाकी ओए प्रिंस प्रिंस भाई की भी मेहनत, तुम्हारे मास्टर शेफ, हाँ ये भी है सिर्फ। हाँ बाकी ये कि हम स्टार्ट करने लगे खाना, क्योंकि जो लोग नहीं आ रहे फिर मर्जी उनकी है, हम तो करें स्टार्ट। तो ये सबके काम शाम करने के बाद जनाब जी, अब ये हम साथ शूट भी कर रहे हैं सबका, क्योंकि वीडियोस वगैरह बनाते हो तो सारे ये कह रहे हैं तू कर ये कर। तो शूट मैं इनका करके साथ में हम खाना स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 9:30 तो बज रहे हैं, तो उसके बाद जब आएंगे तो उसे तो फिर देखी जाएगी। तो टिक्के वगैरह साथ ला कर ही हम जस खाने बैठ गए आराम से, रोटियाँ वगैरह तो हम साथ ही ले आए थे, और रायता वगैरह सारा कुछ बना हुआ है, जैसे भी खाना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि भूख काफ़ी लगी, डिनर का टाइम भी हो गया है, और बाकी जो आएंगे फिर देखे जाएंगे साथ उनके। मिकाल भाई की खास बात यह है कि इन्होंने आधी रोटी पकड़ी हुई है, और ये एंड तक रोटी आधी ऐसी रहनी है, और बाकी सब कुछ खत्म हो जाना है ना भाई, ये इनकी ट्रिक है शादी वगैरह के लिए। इस तरह ही सही बात है, मैंने पहले देखा हुआ रोटी सब कैसे हाथ में, ताकि लोगों के लिए रोटी भी खा रहे हैं, लेकिन खाने दिखे भी आ गए हैं चाय पीने, जहाँ गए थे वहाँ तो नहीं है, लेकिन पास ही अब जो एट अ टाइम हमें मिला हमने वो पकड़ लिया, चाय साथ क्या केक रस फैल दिया आपने। तो बस ये इतना ही था आज के लिए, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो ये सारी हमारी रूटीन थी वैसे, तो बाकी अभी चाय पी के भी मिलते हैं आपको।